वेलकम स्टूडेंट्स, सोलेनेसी फैमिली के इस पार्ट में सोलेनेसी फैमिली के फ्लोरल करैक्टर्स, प्रिमिटिव करैक्टर्स एंड एडवांस करैक्टर्स की स्टडी करेंगे। फ्लोरल करैक्टर्स, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर्स साइम इनफ्लोरेसेंस में अरेंज रहते हैं। यह साइम लेटरल, एक्सिलरी या टर्मिनल प्रकार का होता है, जबकि सोलेनम की कुछ स्पीसीज में साइम एक्स्ट्रा एक्सिलरी प्रकार का होता है। डेटूरा में फ्लावर्स सोलेटरी एंड एक्सिलरी प्रकार के होते हैं, जबकि विथानिया में फ्लावर्स क्लस्टर में प्रजेंट होते हैं। साइमस प्रकार के इनफ्लोरेसेंस में इनफ्लोरेसेंस एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि इसके टर्मिनल पर फ्लावर बन जाता है। साइमोस इनफ्लोरेसेंस मोनोकेजिल साइम या डाइकेजिल साइम प्रकार का होता है। मोनोकेजिल साइम में मैन एक्सिस के टर्मिनल पर फ्लावर बनने के कारण इसकी ग्रोथ रुक जाती है। आगे ग्रोथ सिंगल लेटरल ब्रांच के द्वारा कंटिन्यू रहती है। मोनोकेजिल साइम हेलिकोइड या स्कॉर्पियोड प्रकार का होता है। हेलिकोइड प्रकार के साइम में सभी ब्रांचेज राइट या लेफ्ट साइड में ही निकलती हैं, जबकि स्कॉर्पियोड प्रकार के साइम में ब्रांचेज राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से निकलती हैं। डाइकेजिल साइम में मैन एक्सिस के टर्मिनल पर फ्लावर बनने के कारण ग्रोथ रुक जाती है। आगे ग्रोथ दो लेटरल और अपोजिट ब्रांचेस के द्वारा कंटिन्यू रहती है। फ्लावर ब्रैक्टिएट, एक्नामॉर्फिक बट जाइगोमॉर्फिक इन साल्पीग्लोसिस एंड सिजेंथिस, बाइसेक्सुअल बट यूनिसेक्सुअल इन विथानिया कोगुलेंस, पेंटामिरस एंड हाइपोगाइनस प्रकार का होता है। ब्रैक्टिएट ऐसा फ्लावर होता है जिसमें ब्रैक्ट प्रजेंट होती है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ऐसा फ्लावर है जिसमें फ्लावर को यदि तीनों प्लेन से कट किया जाए तब तीनों प्लेन के द्वारा ही फ्लावर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसे फ्लोरल फॉर्मूले में सर्कल में प्लस के सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जाइगोमॉर्फिक में फ्लावर तीनों प्लेन में से कोई एक प्लेन के द्वारा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। इसे सर्कल में वर्टिकल लाइन के द्वारा या परसेंटेज के सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसको फ्लोरल फॉर्मूले में इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पेंटामेरस, इसमें सेपल एंड पेटल्स की संख्या 5 या 5 का गुणज होती है। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर एंड फ्लावर के बाकी पार्ट जैसे कि कैलिस, करोला, एंड्रोसियम इन्फीरियर प्रकार के होते हैं। कैलिस सेपल्स 5, गेमोसेपल्स ऑड इन एंटीरियर एस्टिवेशन वॉल्वेट या ट्विस्टेड प्रकार का होता है। वॉल्वेट एस्टिवेशन विथानिया में, जबकि ट्विस्टेड एस्टिवेशन डेटूरा में मिलता है।
फाइसिलिस में कैलिस एक्रेसेंट प्रकार के होते हैं। एक्रेसेंट कैलिस परसिस्टेंट कैलिस का टाइप है। एक्रेसेंट प्रकार के परसिस्टेंट कैलिस में सेपल या कैलिस फ्रूट के साथ ग्रो करते हैं। वाल्वेट प्रकार के एस्टिवेशन में सेपल या पेटल्स की सभी मार्जिन या एंड्स पास पास होते हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। जबकि ट्विस्टेड प्रकार के एस्टिवेशन में सेपल या पेटल्स की एक एंड या मार्जिन अंदर की ओर, जबकि उसी सेपल या पेटल की दूसरी मार्जिन या एंड बाहर की ओर होती है जैसे कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। कोरोला पेटल्स 5 गेमोपेटलस ऑर्डिन एंटीरियर एंड एस्टिवेशन वॉल्वेट या ट्विस्टेड प्रकार का होता है। वॉल्वेट एस्टिवेशन विथानिया में जबकि ट्विस्टेड एस्टिवेशन डेटूरा में मिलता है। कोरोला शेप में ट्रम्पेट इन डेटूरा, कैम्पानुलेट इन फाइसिलिस, इन फंडिबुलिफॉर्म इन पिटूनिया और रोटेट इन सोलेनम में मिलते हैं प्रकार का होता है। एंड्रोसियम स्टेमेंस 5 पॉलीएंड्रस एपिपेटलस एंड अल्टरनीपेटलस प्रकार के होते हैं। साल्पीग्लोसिस एंड सिजेंटिस में क्रमशः 4 या 2 4 and 2 स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं। इनमें सेस स्टेमेंस स्टेमिनोड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। सोलेनम में एंथर कनिविंग प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त एंथर्स डाइथिकस इंट्रोस प्रकार के होते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन में सभी स्टेमेंस के फिलामेंट एंड एंथर्स फ्री रहते हैं। इसे फ्लोरल फॉर्मूले में कैपिटल ए 5 विदाउट ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि एपिपेटलस कंडीशन में स्टेमेंस के फिलामेंट पेटल से जुड़े हुए होते हैं। इसे फ्लोरल फॉर्मूले में सी एंड ए के ऊपर आर्क के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्टरनीपेटलस में स्टेमेंस पेटल के एकांतर होते हैं। स्टेमिनोड इसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। स्टेमेंस स्ट्राइल अर्थात रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। डाइथिकस इसमें 2 एंथरलोब एंड 4 पॉलन सेक प्रेजेंट होते हैं। इंट्रोस इसमें एंथर का डिएशेंस गाइनोसियम की ओर होता है। गाइनोसियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओबरी सुपीरियर एंड बाइलोक्यूलर प्रकार की होती है। प्रत्येक लोक्यूल में अनेक ओव्यूल्स एक्साइल प्लेसेंटेशन पर प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटी सोलन एंड सेप्टम अवलिक प्रकार का होता है। डेटूरा एंड निकेंड्रा में फाल्स सेप्टा बनने के कारण लोक्यूल्स की संख्या इंक्रीज हो जाती है। कैप्सिकम जिसमें एक स्पेशल प्रकार की कंडीशन मिलती है, इसमें प्लेसेंटी के डीजनरेशन के कारण ओवरी यूनिलोक्यूलर एंड पेराइटल प्लेसेंटेशन युक्त हो जाती है। स्टाइल लीनियर स्टिग्मा कैपिटेट या लोब्ड प्रकार की होती है। ओवरी के बेस पर हाइपनस नेक्टेरिफेरस डिस्क प्रेजेंट होती है।
जैसे कि इस फ्लोरल डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें सेप्टम अवलिक एंड प्लेसेंटी सोलन प्रकार की है, जो कि सोलेनेसी के मेंबर्स में मिलती है। फ्रूट एंड सीड्स। फ्रूट सामान्यतः बेरी प्रकार का होता है। फाइसिलिस में फ्रूट ब्लैडर लाइक कैलिस में बंद रहता है, जबकि कुछ केसेस में यह कैप्सूल प्रकार का भी होता है। सीड्स न्यूमरस कंप्रेस्ड डिस्कोइड या सब रेनीफॉर्म एंडोस्पर्मिक एंड कार्ब्ड या स्ट्रेट एम्ब्रियो वाले होते हैं। फ्लावर। विथानिया सोमिनीफेरा। इसका फ्लोरल फॉर्मूला ई ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक हर्मेफ्रोडाइट एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट हैं। K5 विथ ब्रेक्ट सेपल्स 5 हैं, गेमोसेपल्स कंडीशन में प्रेजेंट हैं, ओड सेपल पोस्टीरियर साइड में है। C5 विथ ब्रेक्ट पेटल्स 5 हैं, गेमोपेटलस कंडीशन में है, ओड पेटल्स एंटीरियर साइड में है। सेपल एंड पेटल्स दोनों में ही वॉल्वेट एस्टिवेशन उपस्थित है। A5 विदाउट ब्रेक्ट स्टेमेंस 5 पॉलीएंड्रस एपीपेटलस डाइथिकस एंड इंट्रोस प्रकार के हैं। G2 विथ ब्रेक्ट अंडरलाइन गाइनोसियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस बाइलोक्यूलर एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन युक्त है। सेप्टम अवलिक एंड प्लेसेंटी सोलन प्रकार की है। प्रिमिटिव करेक्टर्स। शर्व ट्री पेरिनियल क्लाइंबर्स लिव्स सिंपल एंड अल्टरनेट इनफ्लोरेसेंस सोलिटरी एक्सिलरी या टर्मिनल फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक हर्मेफ्रोडाइट एंड हाइपोगाइनस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स ओव्यूल्स न्यूमरस इन ईच लोक्यूल स्टेमेंस डाइथिकस एंड सीड्स एंडोस्पर्मिक। ये सभी करेक्टर्स प्रिमिटिव प्रकार के हैं। एडवांस करेक्टर्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली। हर्बेसियस एंड एनुअल प्लांट्स लिव्स एक्स स्टुप्लेट कैलिस एंड कोरोला गेमोसेपलस एंड गेमोपेटलस स्टेमेंस एपीपेटलस रिडक्शन इन नंबर ऑफ कार्पल 2-2 गाइनोसियम सिनकार्पस फ्रूट सिंपल। ये सभी करेक्टर्स एडवांस प्रकार के हैं। इस प्रकार स्टूडेंट सोलेनेसी के इस पार्ट में सोलेनेसी फैमिली के फ्लोरल करेक्टर्स प्रिमिटिव करेक्टर्स एंड एडवांस करेक्टर्स की स्टडी की। थैंक्स।